Welcome back to my YouTube channel, The Wani Classes. आज की वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है जेंडर इक्वलिटी इसके मीनिंग नीड्स एंड इम्पोर्टेंस कॉल या फिर क्या क्या वेज हैं जिससे हम जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं ओके तो ये है हमारा आज का टॉपिक वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्योंकि आगे भी आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी साथ ही एच पी एड की प्रिपरेशन की कुछ वीडियोज़ भी आएंगी तो आपको क्या करना है वीडियोज़ को देखना है ओके okay, तो ये कंटेंट है हमारा इंट्रो देखेंगे फिर मीनिंग द नीड एंड इम्पोर्टस कॉजस ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी वेज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एंड में हम कंक्लूड करेंगे हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि इक्वालिटी डज नॉट मीन दैट वुमेन एंड मेन विल बिकम सेम बट दैट वुमेन्स एंड मेन्स राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज विल नो डिपेंड ऑन वेदर दे आर बोर्न मेल और फीमेल इसका मतलब ये है कि क्वालिटी का अर्थ ये नहीं है कि जो औरतें हैं और जो पुरुष हैं वो दोनों सेम हों हो। पर परंतु जो उनके राइट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए वो इस पर बेस ना हो कि वो मेल पैदा हुए या फिर वो फीमेल पैदा हुए ठीक है मतलब कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलनी चाहिए एंड जेंडर इक्वलिटी इज़ वन पीपल ऑफ़ ऑल जेंडर्स हैव इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अभी हमने ऊपर बात की कि कोई भी जेंडर है मेल है फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर ही क्यों ना है सभी को इक्वल राइट्स मिले उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वल मिले ये होती है जेंडर इक्वलिटी अब बात करते हैं मीनिंग के बारे में सो so, जो वर्ड है इक्वेलिटी ये एक लैटिन वर्ड इगेलाइट से लिया गया है जिसका मतलब होता है सिमिलैरिटी एंड टू डिसिमिलैरिटी एंड जो जेंडर इक्वलिटी है इसको हम सेक्शुअल इक्वलिटी या फिर इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस भी कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट एवरी वन इज अफेक्टेड बाई जेंडर इनक्वालिटी जो जेंडर इनक्वैलिटी है उससे हर कोई अफेक्ट है चाहे वो वीमेन है मैन है ट्रांसजेंडर है डाइवर्स पीपल है या फिर बच्चे ही क्यों ना हैं और ये हर ऐज के पीपल को हर एज के लोगों को हर बैकग्राउंड के लोगों को अफेक्ट करते हैं ओके okay, तो ये हमने मीनिंग एंड रिडक्शन देख ली अब हम बात करेंगे कि क्या नीड या फिर क्या इंपॉर्टेंस है जेंडर इक्वेलिटी की जेंडर इक्वेलिटी क्यों होनी चाहिए फर्स्ट पॉइंट टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस डेमोक्रेसी हम कहते हैं कि लोगों का शासन है तो उसकी सक्सेस के लिए जेंडर इक्वेलिटी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी जेंडर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग वुमेन जो औरतें हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो इसके लिए जेंडर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए जेंडर इक्वालिटी इंपोर्टेंट है साथ ही इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए भी जेंडर इक्वालिटी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन अब बात करेंगे कि जो जेंडर इन इक्वालिटी है उसके क्या क्या कॉजेज हैं प्रेफरेंस ऑफ सन क्योंकि कुछ फैमिलीज अभी भी ऐसी हैं वो सन को प्रेफरेंस देती हैं उनकी डॉटर को प्रेफरेंस नहीं देती हैं सेकंड आता है इलिट्रेसी की वजह से भी ऐसा है गरीबी पावर्टी की वजह से भी ऐसा है नेक्स्ट वन पेट्रीर्टल सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी उस तरह की सोसाइटी होती है जहाँ पर मेन को प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन ओके okay, यानी कि सन को प्रेफरेंस मिलेगी फादर को प्रेफरेंस मिलेगी मदर एंड डॉटर को उतनी प्रेफरेंस नहीं मिलेगी वो होती है पेट्रियॉर्कल सोसाइटी फिर आ, बात आती है डॉरी की डोरी की वजह से भी जेंडर इनइलिटी होती है रोल ऑफ सन इन रिलीजियस रिचुअल्स जैसे देखा जाता है कि सन ही कुछ रिलीजियस रिचुअल्स को करता है तो उससे भी जेंडर इनइलिटी बढ़ती है डर्थ ऑफ़ वुमेन टीचर्स वुमेन टीचर्स भी कम है तो वो उतनी अवेयरनेस नहीं पहुंचा पाती हैं तो तो ये सब कॉजेज हैं जेंडर इनइालिटी के अब बात करेंगे क्या क्या वेज हैं जिससे हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हैं जिससे जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिल सकता है पहला आता है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एट होम क्योंकि सब कुछ बच्चा अपने घर से ही सीखता है तो घर में ही जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए जो, जो काम लड़की कर रही है वो काम लड़का भी कर सकता है और जो लड़का कर रहा है वो लड़की भी कर सकती है तो जेंडर इक्वालिटी घर से ही शुरू होनी चाहिए नेक्स्ट वन रेज एस्पिरेशन ऑफ गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स जो पेरेंट्स हैं लड़कियों के उनमें भी जो एस्पिरेशंस हैं वो रेज करनी है उनको डेवलप करना है गिव प्रॉपर वैल्यू ऑफ़ वुमेंस वर्क अगर कोई औरत काम कर रही है तो उसको भी उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जितनी किसी मैन को मिलती है तो और उसकी प्रॉपर वैल्यू देनी है मतलब ये नहीं है कि अगर कोई लेडी काम कर रही है तो उसको कम पैसे मिलने चाहिए फॉर द इक्वल जॉब नेक्स्ट वन मीडिया एज अ गेम चेंजर मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे हमारा सोशल मीडिया है प्रिंट मीडिया होता है जैसे हमारे न्यूज़ पेपर्स हैं उसमें भी कुछ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं तो उससे भी लोग अवेयर होते हैं टॉक अबाउट जेंडर इशूज जेंडर इशूज के बारे में बात करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक जेंडर इशूज के बारे में बात नहीं होगी तब तक जेंडर इन चलती रहेगी शेयर हाउस होल्ड कोर्स एंड चाइल्ड केयर इक्वली बट फैमिली में जैसे लड़की को ट्रीट किया जाता है जैसे लड़के की केयर की जाती है वैसे लड़के की केयर भी होनी चाहिए और जो घर के काम हैं जैसे कपड़े धोना खाना बनाना वो लड़की को नहीं लड़के को भी सिखाना चाहिए दोनों को इक्वल काम देने चाहिए नेक्स्ट पॉइंट पे और डिमांड सेम सैलरी फॉर इक्वल वर्क अगर आप सेम काम कर रहे हैं चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं आपको सेम पे मिलनी चाहिए और आपको सेम पे की डिमांड भी करनी चाहिए क्योंकि आप सेम ही काम कर रहे हो ओके सो ये कुछ वेज हैं जिससे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सकता है अब एंड में हम कंक्लूड करेंगे फॉर जेंडर इक्वालिटी वी नो वी नीड टू गेट ट्रिट ऑफ द ओल्ड एज ट्रेडिशन्स एंड मेन्टेलिटी अगर हमें जेंडर इक्वालिटी लानी है तो जो पुराने ट्रेडिशन थे कि लड़की ही घर का काम करेगी लड़के नहीं करेंगे है ना उस तरह की मैंटेलिटी से हमें दूर होना होगा वो वो मेंटेलिटी अब नहीं रखनी है वी मस्ट टीच एवरी वन स्पेशली द बॉयज ऑल अबाउट इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट हमें सभी को सिखाना चाहिए स्पेशली हमें बॉयज़ को भी सिखाना चाहिए कि इक्वलिटी क्या होती है और रिस्पेक्ट क्या होती है इट रिक्वायर्स क्वाइट अ लोड ऑफ वर्क बट इट इज़ पॉसिबल अब इसमें काम तो बहुत लगेगा बट ये पॉसिबल है और बहुत हद तक पॉसिबल हो भी गया है

लेबोरेट करके लिख सकते हो आपका सिक्सटी मार्क्स क्वेश्चन इजिली बन जाएगा सो गाइज दैट सोल फोर वीडियो अल्फू लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना जान चाहे आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय टेक केयर